सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप उन सभी लोगों की सूची कैसे निकाल सकते हैं जिन लोगों की आपको KYC कंप्लीट करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप अपने उन सभी गाँव के लोगों की सूची निकाल सकते हैं जिनकी आधार KYC की जानी है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके पास उन लोगों की लिस्ट होती है या सूची होती है तो आप उनको संपर्क करके उनकी आधार KYC जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें जो भी पैसा है PM किसान सम्मान निधि योजना का वो उनको मिलने लगेगा, या फिर दोस्तों आप इन सभी लोगों को बता सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप एक जो है किसान हैं तो आप भी इस सूची को देख के पता कर सकते हैं कि आपको जो है अपनी KYC करानी है। तो दोस्तों आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको किस्त मिली है या नहीं मिली है, या कितने दिनों से आपको किस्त नहीं मिल रही है तो आपको अपनी KYC कंप्लीट करा लेनी है। तो दोस्तों आपको इस सूची को कैसे चेक करना है वो हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोसीजर जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे सभी लोगों की KYC करनी है जिनको PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है। जैसे कि सरकार ने बताया है कि अब उन्हीं लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना का जो अगली किस्त है वो दी जाएगी जो अपनी KYC कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ, इसके माध्यम से आप सूची में उन सभी लोगों के नाम चेक करेंगे, उसके बाद उन सबकी जो है यहाँ पर KYC कंप्लीट करेंगे, जिससे फ्रेंड्स आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर को खोल लेना है। हम यहाँ पे देखिए एक ब्राउजर खोल लेते हैं। ब्राउजर को खोलने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करनी है, pmkisan.gov.in। फ्रेंड्स कभी कभी इसका सर्वर डाउन चलता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने यह वेबसाइट आसानी से खुल जाएगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यह वेबसाइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक विकल्प दिखाई देगा पेमेंट सक्सेस का, यहाँ पे लिखा है डैशबोर्ड। आपको डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये जो है पेज आ जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है तो आप स्टेट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना स्टेट चुनेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उत्तर प्रदेश चुन रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट चुनना होता है, तो यहाँ पे आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। सफलतापूर्वक सब डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आपको अपना विलेज चुनना होता है, तो जो भी आपका विलेज है आप यहाँ पर अपना विलेज का चयन करेंगे। इसके बाद आप देख पाएंगे आपके सामने इस प्रकार से आपके गांव के उन सभी लोगों की सूची निकल कर आ जाएगी जिनको PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है, या फिर फ्रेंड्स पहले उन्हें कुछ किस्तें मिल चुकी हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है और उन सभी लोगों के यहाँ पे स्टेटस चेक करने हैं और उन सभी लोगों के नाम यहाँ से निकाल लेने हैं। फ्रेंड्स सिक्योरिटी रीजन से मैं यहाँ पर ये जानकारी हाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको ये जो है सही से दिखाई ना दे, तो आपको ये अपने हिसाब से अपना चेक करना है। अब फ्रेंड जिनको यहाँ पर किस्तें अभी कुछ नहीं मिली होगी या 10वीं किस्त नहीं मिली होगी, तो यहाँ पर आपको उन सभी लोगों के नाम यहाँ से देख लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इन सभी लोगों की KYC कंप्लीट करनी है, तो आपको इन सभी लोगों को बताना है कि इनकी KYC नहीं हुई है, इसलिए आप इन सब से कहें कि ये अपनी KYC करवाएं, तभी इनको 10वीं किस्त दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इन सभी लोगों की सूची यहाँ से निकाल लेनी है। इसके बाद दोस्तों अगर जिन लोगों के यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेसफुल नहीं है तो उन लोगों से भी आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और उन लोगों से तो आपको जरूर ही कहना है, नहीं तो उन्हें किस्त नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से उन सभी लोगों की सूची निकालनी है और KYC प्रक्रिया को पूरा करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस सूची को देख सकते हैं।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।